हाँ जी दोस्तों, गाइस गांव का मौसम, पहाड़ों का मौसम एकदम जबरदस्त हो रहा है। देहरादून में तो काफ़ी बारिश हो रही थी, देहरादून में काफ़ी बारिश थी, लेकिन लेकिन गांव में बारिश का नामात्र ना 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 के बराबर है। गांव में बारिश ही नहीं हो रखी। तो गाइस गांव में बारिश नहीं हुई, देहरादून में इतनी बारिश हो रखी पूरे दिन भर। कल भी बारिश हुई, आज भी सुबह सुबह। बाकी गांव में बढ़िया है, अच्छा है, मौसम बढ़िया हो रहा है, ठंडा है। और गांव की अगर बात की जाए, मक्के मक्के की खेती, जो मक्का होता है इस टाइप का होता है, खेतों में मक्का देख सकते हैं आप लोग। गांव में आके थोड़ा ये है, अच्छा लग जाता है। बाकी और बाकी मौसम में थोड़ा चेंजेस आ गया है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ों में थोड़ा सा धूप निकली हुई है। देहरादून में इतना कुछ खास मौसम था नहीं, और पहाड़ों में थोड़ा धुंध छाया हुआ है। धुंध में क्या होता है, धुंध में कुछ दिखता नहीं है, इसलिए बैकग्राउंड में इधर 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 देख सकते हो आप लोग, कि मतलब पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो यहाँ मक्के की खेती है, मक्का चल रहा है यहाँ। और तो गाइस अभी मैं अपने जो एक छानी होती है, छानी में आया हूँ। तो छानी का व्यू दिखाया मैंने आप लोगों को, छानी का जो नेचर है, हमारे यहाँ इस टाइप का नेचर रहता है। तो गाइस अब आगे मैं गांव जा रहा हूँ, गांव का व्यू भी दिखाऊंगा और आप लोगों को। और बाकी महाराज जी के दर्शन के लिए आया हूँ, मैं महाराज जी के पास आया हूँ। हमारे यहाँ चालदा महाराज जी आ रहे हैं, तो इस वजह से मैं गांव आया हूँ। तो गाइस वीडियो में बने रहना और वीडियो को देखते रहना। बाकी चलो गाइस चलते हैं फिर नेक्स्ट लोकेशन पे। शेरू की एक्टिविटीज, शेरू शेरू ले ले, शेरू शेरू शेरू। कैसे दहाड़ रहा भाई, दहाड़ कैसे रहा। म्याऊं 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 बोल, म्याऊं 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 ले। बाकी सामने देख सकते हो गाइस आप लोग, पहाड़ों में कितना धुंध छाया हुआ है। इस तरह से भी, इस तरह से पूरा धुंध छा रखा। बारिश नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, देहरादून में काफ़ी बारिश हुई इस जगह पे अभी बारिश नहीं हुई। खेतों में एकदम बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, क्योंकि हरियाली काफ़ी रहती है। अगर धूप होती, अगर बारिश हो जाती तो हरियाली काफ़ी रहती है। तो ले शेरू, यहाँ बैठ, यहाँ बैठ। हाँ ले ले, इधर देख, इधर 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 कौन है। हाँ आजा 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 ले। ठीक है भाई, बहुत क्वालिटी के साथ बोल दे। हेलो।
हेलो गाइस, ये मेरे छोटे ब्रदर है। तो आज हम घंटा गांव में आए हैं, घंटा गांव का व्यू दिखा रहे हैं। और लो लाइट है, थोड़ी गोप्रो में थोड़ा लो लाइट में दिक्कत रहती है। ये छोटू सा मेरा ब्रदर है और अभी घंटा आए थे हम 9-10 बजे करीबन। यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, मतलब चहल पहल अच्छी है यहाँ पे। बोलना चाहोगे आप? गांव में बहुत चहल पहल है। चहल पहल बहुत बढ़िया है, पर मंदिर हम आए स्पेशली, मतलब अभी मंदिर को देखने गए। बाकी जो हमारा कल का ब्लॉग रहेगा ना गाइस, तो वो काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। और कल के ब्लॉग में हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे और दिखाएंगे आप लोगों को। बाकी अभी थोड़ा सा नीचे भी जाएंगे, दिखाएंगे आप लोगों को मंदिर। आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ मैं मंदिर, ये रहा ऊपर महाराज जी का जो मंदिर है, टेंपल है, वो इस टाइप का है। अभी जब ऊपर जाऊँगा मैं, अभी तो नहीं, कल जाएंगे तो कल व्यू कवर करेंगे। और यहाँ का ये भी मेरा छोटा भाई है, गाड़ी चला रहा है और अभी प्रेजेंटली वहाँ रह रहे हैं, गुड़गांव में रह रहे हैं। और बाकी हम जा रहे हैं आगे, पता आगे नेचर की बात चल रही है हमारे बीच में। गांव बहुत सुंदर लग रहा है, गांव बहुत अच्छा है और कल कवर करेंगे हम पूरा गांव। अभी थोड़ा आगे से दिखा देना एक बार गांव कैसा लग रहा है। लो लाइट में थोड़ा दिखता नहीं है ना, दिन में दिखेगा। बाकी वापसी जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं। यहाँ पे घंटा में आए थे हम, वेलकम बैक माई न्यू व्लॉग। तो दोस्तों पीछे भाई है मेरा, ये भी भाई है। आज जा रहे हम पानी के लिए, गांव में पानी नहीं आ रहा, नहीं हो रहे। हम जा रहे हैं सीधे वहां पे, जहां से मेन स्रोत है पानी का, वहां जाएंगे, वहां देखेंगे कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमारा पानी का मेन स्रोत है। उस लोकेशन पे हम पहुँच चुके हैं, जंगल में। काफ़ी डरावना है, बैकग्राउंड में देख सकते हो, इतने जंगल है, पूरे एकदम घने जंगलों में आ चुके हैं। तो वहाँ पे हम अपने, जहाँ गांव के लिए पानी आता है, वहाँ पे जाएंगे। गाँव में पानी नहीं आ रहा ना, तो पानी नहीं आ रहा, इसी वजह से हम यहाँ पे आए हैं पानी के लिए। सोचा यहाँ से साफ वाफ करके फिर गांव जाएंगे, गांव का पानी यहाँ से सप्लाई होता है। तो देखते हैं ऊपर, ये सबसे ऊपर दोनों भाई जा रहे ऊपर, और यहाँ पे, यहाँ टंकी बनी हुई है, वहाँ पे हमारे गांव के लिए पानी आता है। यहाँ पे देखते हैं, चेक करते हैं कि पानी का रीज़न क्या है, क्यों नहीं आ पा रहा है। बाकी थोड़े बहुत सिनेमैटिक्स शॉट भी देखो आप, और उसका भी मज़ा लेते रहो। दिखाते हैं, काफ़ी मशक्कत करने के बाद भी पानी पूरा गीले हो गया हाथ, मतलब पूरे गीले होने के बावजूद भी पानी नहीं जा रहा अंदर। मतलब यहाँ पे पूरा टैंक फुल हो रखा, पानी नहीं जा रहा आगे सप्लाई नहीं हो रहा यहाँ से पानी। यहाँ पे कहीं ना कहीं पाइप में फंसा हुआ है। तो अभी बुलाए हैं गांव वालों को, भी बुलाए हैं। अभी हम तीन भाई आए थे, हमसे कुछ हुआ नहीं,
अब देखते हैं एक बड़े वाला रेंच जो होता है उसका काम है, हमारे पास है छोटे वाला रेंच। छोटे वाले रेंच में क्या है कि उससे बन नहीं रही बात। बड़े वाला रेंच मंगवाया है उससे देखते हैं खोल के पाइप पूरा। अब गाड़ी खुली है भाई, अभी भी गाड़ी के पास ही चलते हैं नीचे। चलो गाड़ी के विंडिकेटर जल रही, लाइटें जल रही है, बैकग्राउंड में कुछ काफ़ी ग्रीनरी आ रही है, ग्रीनरी काफ़ी रहती है बैकग्राउंड में। जंगल यहाँ ऐसा है कि मतलब इसमें बाघ बहुत ज़्यादा रहते हैं रात को। तो गाइस आज उस लोकेशन पे पहुँच चुका हूँ मैं, अमरियाना। नेचुरली जो एक बहुत बड़ा पत्थर है, नेचुरली इतना बड़ा पत्थर है, देख सकते हो आप लोग भाई, ये इतना बड़ा पत्थर है। लगा गाड़ी आगे लगाते हैं, हाँ आगे गिराएंगे पहले। अभी दिखाएंगे आप लोगों को ये पत्थर, इतना बड़ा पत्थर है, मतलब एक शिला, इतनी बड़ी शिला है ना, इसका अनुमान लगा नहीं सकते। जेसीबी वाले ने भी कैसे, जेसीबी वाले ने भी किस तरह से साइड में लगाया होगा इस पत्थर को। तो मैं स्पेशली इस पत्थर के पास इस वैसे आया हूँ कि मैं शूट करना चाहता हूँ। और यहाँ के पहाड़ ना पहाड़, पहाड़ों में कोहरा छाया हुआ है, पूरा घना घना कोहरा छाया हुआ है। और इस तरफ देख सकते हो बैकग्राउंड में कितना बड़ा पत्थर है, इसके ऊपर चढ़ूंगा मैं, अभी इसके ऊपर जाऊंगा और पत्थर का व्यू दिखाऊंगा। पत्थर कुछ इस तरह का है, थोड़ा एक सिनेमैटिक शॉट लेता हूं यहां का। इतना बड़ा पत्थर है, ये देख सकते हो गाइस आप लोग, इतना बड़ा पत्थर है, एकदम साइड सड़क के किनारे में लगा हुआ है, एकदम ना नीचे गिर रहा है, ये सालों से यहाँ पड़ा हुआ है, ये पत्थर सालों से रखा हुआ है। इस जगह को बोलते हैं बगराडूंग, बगराडूंग बोलते हैं हमारे यहाँ इस जगह को, क्यों पिंको, इस जगह को हम बगराडूंग बोलते हैं। और दो हिस्से हुए हैं इस पत्थर के, ना तो ये टूटा भी पूरा प्रॉपर, ये दो हिस्से हो चुके हैं इस पत्थर के ना, दो साइड। और ये जो एक पत्थर है ये नीचे नहीं गिर रहा, जेसीबी वाले ने किस तरह से लगाया होगा ये तो उसी को पता होगा, मशीन वाले ने लगाया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे अटक गया ये पत्थर ना। तो यहाँ पे चढ़ने का भी तो नहीं है ऊपर, पहले तो चढ़ जाते थे, पहले भी चढ़ जाते थे, अब तो ऐसा दरार आ गई ना। और यहाँ के जो हिल्स है ना, पहाड़ कुछ इस तरह के, बाबरी ये रोड जा रहा है, रोड के किनारे में अटैच ये पत्थर इस तरह से। गाड़ी हमारी उधर है खड़ी, और ये जंगल है, इस जंगल को मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि मतलब इस जंगल में ना गाइस, इस जंगल में इतने सारे बाघ होते हैं, रात को तो पॉसिबल नहीं है कि मतलब कोई आ पाएगा यहाँ इस जंगल में। रात को इस जंगल में मतलब मोस्टली वही आता है जो अपनी गाड़ी से आएगा, वही जा पाएगा, नहीं तो यहाँ पे बाघ मिलना चांस रहता है, 100% मिलता है रात को। तो यहाँ पे ये एक दो छानियाँ भी हैं हमारे गाँव वालों की, और जंगल कुछ इस तरह का, ऊपर फॉग इस टाइप का है। इस जंगल में हम एंटर करते हैं जब भी जाते हैं, आते हैं घर के लिए, तो इस जंगल से होके जाना पड़ता है। तो गाइस अभी ऊपर चढ़ते हैं इस पत्थर के ऊपर, और ऊपर का भी व्यू दिखाते हैं।